एक बार भगवान महादेव की पृथ्वीलोक में भ्रमण करने की इच्छा हुई तो वह माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की अमरावती नामक अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी सभी तरह के सुखों से परिपूर्ण थी। वहां के राजा ने अति रमणीक शिव जी का मंदिर बनवाया था। उसमें भगवान महादेव भगवती पार्वती के साथ गए। वहां माता पार्वती भगवान शंकर जी से बोली, हे प्रभु, आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने माता पार्वती की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, इस खेल में दोनों में से किसकी जीत होगी? पुजारी ने बिना विचारे ही कह दिया कि भगवान महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में खेल समाप्त हो गया और पार्वती जी की जीत हुई। अब माता पार्वती ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देना चाहा। तब भगवान महादेव ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने और उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के अनुसार पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन स्वर्गलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई और उन्होंने पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे यह रोग होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने अप्सराओं से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करो और स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसकी बाटी बनाकर गुड़वा घी मिलाकर चूरमा बनाओ। अब उसके 3 भाग करो, फिर घी, गुड़, धूप, दीप, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करो। पूजा करने के पश्चात 3 भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करो और बाकी 2 भागों को शिवजी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों में बांट दो और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो, फिर 17वें सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर और उसमें घी तथा गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। बाद में स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करो तो भगवान शिवजी की कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से कोढ़ से मुक्त होकर आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ दिन बाद जब पुनः भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में आए तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत के विषय में बता दिया। तब माता पार्वती ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और फिर उसी विधि के अनुसार व्रत करने शुरू कर दिए। उन्होंने व्रत करते हुए कामना की कि उनका पुत्र उनके पास वापस लौट आए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानना चाहा और वे माता पार्वती से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपका आज्ञाकारी हुआ? तब पार्वती जी ने कहा कि उन्होंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है, मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया और उन्हें उनका प्रिय मित्र मिल गया। उस मित्र ने उनसे इस आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा तो वे बोले, हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। स्वामी कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछकर उसने यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी काम के संबंध में विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में उसकी हथनी माला डालेगी वह उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर देगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर पूरी तरह से सजी हुई हथनी आई और उसने उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा की शर्त के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सधन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से उस हथनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली थी? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली है।
दत्त की महिमा को सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किया। शिव जी की कृपा से उसने एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र को जन्म दिया। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत एवं तप किया जो मेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत को विधि सहित बताया। पुत्र ने ऐसे सरल और सब तरह की मनोकामना पूरी करने वाले व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के सैनिकों ने आकर उसको राजकुमारी के लिए वरण कर लिया। वह वृद्ध राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सरगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ कर बड़ा सुखी हुआ। वृद्ध राजा का स्वर्गवास हो जाने पर इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बिठाया गया। राजा बनने के बाद भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी से सारी पूजन सामग्री लेकर शिव जी की पूजा के लिए शिवालय चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। उसने सारी पूजन सामग्री दास दासियों द्वारा शिवालय भिजवा दी और स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव का पूजा समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गया और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर उसने अपने सभापदों से मंत्रणा की। फिर राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसते हुए नगर के बाहर चली गई। रास्ते में एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने ले जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने की वजह से बुढ़िया उसे उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने रानी से वह गट्ठर उठाकर चलने को कहा। रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और उस रानी को कोसते हुए अपने घर वापस लौट गई। अब चलते चलते रानी एक तेली के यहाँ पहुंची तो तेली के सारे मटके शिव जी के प्रकोप से उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी बहुत दुख पाते हुए एक नदी के तट पर पहुंची तो नदी का सारा जल सूख गया। फिर रानी एक सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई तो उसके हाथ का जल से स्पर्श होते ही सरोवर के जल में असंख्य कीड़े तैरने लगे। रानी अपने भाग्य को दोष देते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने को गई। वह रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाती उसे पेड़ के पत्ते तुरंत गिर जाते। वन सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर गाय चराते ग्वालों ने समीप के मंदिर के पुजारी को सारी बातें बताई। पुजारी के कहने पर ग्वाले रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले गए। रानी के मुख के कांधे और शरीर की शोभा देखकर पुजारी ने सोचा कि यह अवश्य कोई किस्मत की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज मिला और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती वह सड़ जाता, जल भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी जी भी दुखी हुए और उन्होंने रानी से पूछा, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने भगवान शिव के पूजन का बहिष्कार करने की सारी कथा सुनाई तो पुजारी ने रानी से कहा, देवी, तुम सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्ति पा सकोगी। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया। व्रत के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, वह ना जाने कहां कहां भटक रही होगी, उसे ढूंढकर वापस लाना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को भेजने को कहा, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। तब दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से आदर पूर्वक बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप के कारण मैंने इसे त्याग दिया। अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पुजारी ने राजा के वचन को सत्य जानकर रानी को राजा के साथ विदा किया। रानी खुशी खुशी राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे।
नगरवासियों ने पूरे नगर को तोरण बंधनवारों से नाना प्रकार से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को अन्य वस्त्र धन आदि दिया। इस प्रकार राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान शिव जी की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के बाद वे दोनों शिव धाम को पधारे। इस प्रकार जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है वह इस लोक में सारे सुखों को भोगकर अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इति 16 सोमवार व्रत कथा।